कार्यशालाओं में रंग प्रशिक्षण प्राप्त किया। लगभग 20 वर्ष से रंगकर्म कर रही गीतांजलि को ने विमेंस नाट्य संस्था के नाम से अपनी संस्था की स्थापना की। महिलाओं और बच्चों को जीवन को दर्शाने वाले नाटक इनकी विशेष पसंद रहे हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब इन्होंने मेरा मंच के माध्यम से लगभग 400 वेबिनार्स का आयोजन किया, जिसमें देश के कई प्रसिद्ध रंगकर्मियों ने भाग लिया। और इस कार्य के लिए उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला और कला सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा गीतांजलि की अभिनय यात्रा केवल रंगमंच तक ही सीमित नहीं रही, वे कई वेब सीरीज टीवी सीरियल्स में भी अपने अभिनय के कौशल दिखा रही हैं। विमेंस नाट्य संस्था ग्वालियर की पहली ऐसी संस्था है जिसमें पहली बार किसी महिला रंगकर्मी को संस्कृति मंत्रालय से रेपर्टरी का दर्जा मिला है। वर्तमान में संस्था में 40 से अधिक कलाकार गीतांजलि के निर्देशन में रंगमंच का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष 4 नाटकों का मंचन किया जाता है और नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है तथा नई प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रतिवर्ष कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। वुमेन्स नाट संस्था ग्वालियर में सतत व सक्रिय रंगकर्मियों का एक ऐसा समूह है जो मंच पर नए प्रयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ग्वालियर में नाट्य उत्सव की शुरुआत हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था ने 3 दिवसीय ग्वालियर नाट्य उत्सव का आयोजन किया है, ताकि शहर के कलाकारों को अन्य शहर के कलाकारों और निर्देशकों का कार्य भी देखने को मिले। रंग विनिमय आवश्यक है और वुमेन्स नाट संस्था इसी परियोजना पर काम कर रही है, ताकि शहरवासियों को अन्य रंग शैलियों को देखने का अवसर मिल सके। तो आइए मिलकर इस नाट महोत्सव का आनंद उठाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री शिशिर श्रीवास्तव जी, उपायुक्त नगर निगम ग्वालियर। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री प्रदीप दीक्षित जी, अशोक सेंगर जी मंच पर आए। गीतांजलि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। अब मैं संस्था के सचिव गीतांजलि से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री शिशिर श्रीवास्तव जी का
माल्यार्पण से और स्वागत करें। समारोह की शुरुआत करते हुए हमारी पहली प्रस्तुति होगी बरेली का स्वांग। स्वांग एक लोक नाट्य रूप है जिसमें किसी रूप को स्वयं में आरोपित कर उसे प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के लोक नाट्य रूपों में एक परंपरा स्वांग की भी नहीं है। स्वांग में किसी प्रसिद्ध रूप की नकल रहती है। इस प्रकार से स्वांग का किसी विशेष ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र, लोक समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवता की नकल में स्वयं का श्रृंगार करना, उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करना, उसी के चरित्र विशेष के अनुरूप अभिनय करना होता है। यह स्वांग विशेष व्यक्तित्व की नकल होते हुए भी बहुत जीवंत होते हैं। इनसे असली चरित्र होने का भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। इस बरेली के स्वांग को निर्देशित किया है हमारे बीच सागर से आए हुए श्री संतोष पांडे जी। सागर से हमारे बीच पधारे श्री संतोष पांडे जी बचपन से ही लोक कला के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही स्वांग का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने श्री परमलाल चौधरी जी से स्वांग का प्रशिक्षण लिया। उसके पश्चात अलक नंदन जी और हबीब तनवीर जी के साथ भी उन्होंने कार्य किया। पांडे जी 6 वर्ष तक रंग निरूषक में श्री बंसी कौल जी के साथ भी रहे। इनके द्वारा स्वांग की प्रथम प्रस्तुति सन 1976 में दी गई थी। उसके बाद से वे निरंतर लोक नृत्य, राई और लोक नाट्यों की प्रस्तुति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देते आ रहे हैं। इन्होंने जापान में 1 माह तक लोक नाट्य स्वांग की प्रस्तुति दी है। तो लीजिए, बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की पहली प्रस्तुति बरेली का स्वांग। लेकिन उसके पहले मेरी एक विनम्र निवेदन आप सभी से, आप सभी सुनी श्रोता है, कृपया अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लीजिए ताकि आपको और आपके पड़ोसी राष्ट्रों को इसका आनंद लेने में कोई कष्ट ना हो। धन्यवाद। Thank you.
कहानियां नहीं सुनी कर कहानी ला तो सुना दो कहानी हाँ कौन सी बा सुना दो बाउदना तो मंदर में सुना रहे थे मंदर में आओ अरे बेटा तुम्हें अब इसे ऐसा करो तो ये अपना तमाशो खो दे और जोन ये दर्शक बैठे हैं वो भी चले जाते चले तो, हाँ तो अपन ऐसा करते कि यही गांव की बहुत ही पुरानी कहानी
आपने तो जो सुई किए देंगे क्या बिरता भट गए यार और डार के बिछोने घर सोते
हम कचरी में तुम जाओ तो बहू।
बिना हमारे आश्रम में भेज दी। जो का के है बाबा? हे बेटा, हवन करे हैं, पूजा करे हैं, जब लला लली हो तुम्हारे 100% करते समाधान बेटा। ये लो हमारी भूति और समाधान हो जाए। चलो, उठाओ ये।
जी लुगाई ले आए, ले आए दत्ता, डंडा उठा ले, उठा ले, तम उठा दो, अरे हम क्या दत्ता, हाँ हमारी बहू नहीं सुनती, हाँ बहू वाले नहीं सुनते, सबकी लुगाई ले, सबकी ले आए दत्ता, अच्छी खबर सुना देगा। अरे मुखिया जी ने तोरी मोड़ी के लाने एक बढ़िया सा